माँ का जो है वो बहुत मतलब अलग, क्या कहें, मतलब कह नहीं सकते सर, इतना ज़्यादा वो रोने लगे। जैसे सर ने हमें बताया था कि आप पटना में ही रह करके तैयारी करते थे, जी पुनाईचक में ही रह करके। देखिए, एक अच्छा आंसर जो है आपको इंट्रोडक्शन से ही दिखने लगता है। जैसे मैंने टेंथ झारखंड से किया था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जब मैंने रिजल्ट में अपना नाम देखा तो सही में वो पल मुझे बिलीव नहीं हुआ, सही मैं बोलूँ तो, क्योंकि कंटिन्यूस फेलियर ही देख रहा था। तो 69 बीपीएससी का रिजल्ट आया है एंड आप हमारे सामने एक व्यक्ति को देख सकते हैं जिनका नाम है राजन कुमार, और जो अभी इस बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके एक प्रेरणा स्रोत हैं राजन सर। तो सबसे पहले आपको बधाई सर कि आपने एक कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम, जो बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है बिहार का, उसको आपने क्रैक करा एंड यू गॉट अ वेरी गुड रैंक। तो सर, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, सबसे पहला क्या रिएक्शन था जब आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट आपको जानने में आई, तब कैसा रिएक्शन था? देखिए, सिविल सेवा का जो महत्व है उसके अनुसार कहा जाता है कि यदि आपका चयन होता है ना तो आपको दूसरा जन्म होता है। ठीक है, तो इससे महत्व से मैं भली भांति परिचित था। जब मैंने रिजल्ट में अपना नाम देखा तो सही में वो पल मुझे बिलीव नहीं हुआ, सही मैं बोलूँ तो, क्योंकि कंटिन्यूस फेलियर ही देख रहा था। ठीक है, ये मेरा ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं कहीं फेलियर नहीं हुआ, कंटिन्यूस फेलियर था। आज अंतिम रूप से जब चयनित होने का जब मैंने देखा तो कह नहीं सकते सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसको। क्या डिफरेंसेस था, मतलब रिजल्ट वाली रात से पहले जी एंड रिजल्ट वाली रात के बाद? जी, बहुत बहुत डिफरेंस था सर। एक गुमनामी का जिंदगी और उसके बाद एक उजाला, जो जिसके लिए जो है इंसान हमेशा प्रयास करता है, वो वाली सर थी, तो कह नहीं सकता सर। बहुत डिफरेंट परसेप्शन होता है, खासकर बिहार यूपी में लोगों का देखने का नज़रिया, बात करने का तरीका। जी जी, बहुत। तो मतलब जैसे ही गांव में जैसे ही न्यूज़ फैलने लगा तो बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा सर, और जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी जानने लगे, वो भी जानने लगे। आपके गांव का एक लड़का निकला है, सीईओ बना है, ऐसे ऐसे बातें होने लगी, तो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत मज़ा जी। एंड फैमिली का रिस्पांस कैसा था, फैमिली, माँ बाप, जी बहन? माँ का जो है वो बहुत मतलब अलग, क्या कहें, मतलब कह नहीं सकते सर, इतना ज़्यादा वो रोने लगे। भैया थे, भाभी थी हमारी, बहन, दोनों बहन, तो सब लोग अंदर से रो रहे थे कहें तो। ठीक है, खुशी के आंसू थे, और घर में चाचा हैं, चाहे जो भी हैं आस पड़ोस हैं, सब लोग इसको सेलिब्रेट किए, और बहुत अच्छा मतलब एक माहौल बन गया। ये वैसा होता है ना, जब से रेगिस्तान में दो चार बूंदे हो जाती है बारिश की, तो जो प्लेजर, जो स्मेल आते हैं वो एकदम बहुत डिफरेंट ही होता है। जी जी। कितने साल की जर्नी थी आपके बीपीएससी के साथ में? बीपीएससी के साथ मेरा अप्रोक्स 4 से 5 साल का जर्नी। 4 से 5 साल। और उसके पहले आपने क्या क्या किया था, लाइक आपने? उससे पहले मेरा ग्रेजुएशन था, 2020 में मेरा जब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ तो उसके बाद मैं फुल्ली इसी पर समर्पित हो गया था। अच्छा, तो कुछ और भी आपने हाथ पांव लगाया था, मतलब किसी और, जैसे बिहार के लोगों को आदत होता है कि बैंकिंग भी दे रहे हैं, एसएससी भी दे रहे हैं, रेलवे का भी कुछ ट्राई कर लिया, या आपने जस्ट स्टिक टू द बीपीएससी? देखिए, यदि बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग तो मैं नहीं दे रहा था, नहीं, नहीं। लेकिन बिहार एसआई वो अच्छा। मैं दिया था, और बिहार एसआई के मतलब फिजिकल तक मैं पहुँचा था। अच्छा, फिजिकल की मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना उस दिन मिसमैनेजमेंट हो गया, तैयारी भी उस समय 2213 वाला जब दरोगा का आया था तो उस समय कहें कि तैयारी के लिए उतना फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। अच्छा, तो तैयारी उस तरह से नहीं हो पाया, परंतु उस समय सर 3 सेकंड से मैं छूट गया, रनिंग नहीं निकला था, तो बहुत पछतावा होता था, लगता था कि क्या हम कितना बड़ा गलती कर दिए हैं, पता नहीं फिर लाइफ में असफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत मतलब एक अलग डिप्रेशन था सर, और डिप्रेशन में मतलब जीने का एक आदत हो गया हुआ था शुरू में, मतलब लगता था कि बहुत बुरा लगता था, बाद में धीरे धीरे उबर रहे थे, लेकिन एक डिप्रेशन तो रहा, कंटिन्यूस चल ही रहा था। जी, भगवान का डिफरेंट प्लान था, कुछ बड़ा आपको देना चाहते कह सकते हैं सर। लोग बोलते भी थे कि हो सकता है कि आपका मेहनत जो है जारी है, इससे अच्छा होगा, और निश्चित रूप से अच्छा हुआ। मैं अन्य लोगों से भी यही कहूँगा, जो भी भाई लगे हुए हैं इसमें, इस बार एग्ज़ाम देंगे और जो है आगे भी देंगे, उस सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, ठीक है, और अपने जो पढ़ाई है उसको और मजबूती के साथ कीजिए, कि जहाँ भी आप बैठे हैं आप झंडा गाड़ दें। एकेडमिक्स क्या रहा था,
जैसे आपके 10th कौन से बोर्ड से रहे थे, क्या परसेंटेज रहे थे, 12th आपके कौन से बोर्ड से थे, क्या परसेंटेज, वैसा सिमिलरली आपका ग्रेजुएशन। जी जैसे मैंने 10th झारखंड से किया था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। अच्छा, जैक बोर्ड। जी उस समय जो है 86% मार्क्स आए थे। ओके। और टॉप 10 में मैं डिस्ट्रिक्ट में था। अरे वाह। जी उसके बाद 12 मैं बिहार में आ गया उसके बाद। अच्छा। और यहाँ से ही मैंने 12 किया, फिर ग्रेजुएशन मुजफ्फरपुर BRABU यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। अच्छा। मुजफ्फरपुर में है ये स्थित, वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इतिहास विषय के साथ। और उसके बाद फिर इधर कोई दूसरा उपाय था नहीं, टेक्निकल तो था नहीं कि कहीं जॉब कर सके। 12th में क्या परसेंटेज रहा था एंड ग्रेजुएशन का क्या रहा था? 12 में 64% था सर। एंड ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन 62%। 62% मतलब एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट ही थे हम लोग। जी इतिहास सब्जेक्ट से क्या? हाँ। फिर आपकी रुचि कैसे पैदा सर, हुई? वैसे जैसे 12 में जो है वो PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थे। हाँ। और मैंने JEE मेंस उस समय दिया भी था। अच्छा। निकला भी था वो। हाँ। परंतु एडवांस दिया, उस स्तर की तैयारी नहीं थी तो नहीं निकला। हाँ। फिर मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया उस समय, बहुत सारे मजबूरी थी फाइनेंशियली भी आप कह सकते हैं। अच्छा। मैं नहीं गया उस डायरेक्शन में। और उसके बाद मैंने इतिहास विषय के साथ ही कंटिन्यू किया। सफलता मिलना था, मेहनत किया और आज मिल गया सर। बीज कब फूटा BPSC का? ग्रेजुएशन के दौरान ही सोच लिए थे या फिर उसके बाद सोचा कि कुछ करना चाहिए हमें? नहीं, 10th में जब मैं 9th में था, 9th 10th में। अच्छा अच्छा। तो हमारे एक शिक्षक होते थे वो अभिषेक सर। ओके। तो अभिषेक सर हम लोग को सिविल सेवा का महत्व बताया करते थे क्योंकि वो खुद भी तैयारी करते थे। अच्छा, हम लोग को बच्चों को बताते थे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। मैं बोला कि सर मैं इसी ये में जाऊंगा। अच्छा। और फिर जब ग्रेजुएशन किया तब लगा कि अब सारा चीज़ एकेडमिक तो हो गया है, अब फुल्ली इस पर फोकस किया जाए। तो UPSC तो नहीं परंतु मैंने BPSC को फोकस किया पहले। अच्छा। और आज निकल गया सर। रैंक क्या आपका अभी है 9th BPSC? 59th रैंक है सर। 59th रैंक। यस सर। टॉप 100, टॉप 60। यस सर, टॉप 60। एंड हाउ इज़ द फील जब मतलब इतनी बड़ी आबादी है हमारी बिहार की एंड जब आप और बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं एंड यू आर इन टॉप 60। यस सर। क्या फील होता है, कैसा लगता है? अच्छा फील होता है सर। और बस मैं चाह रहा हूँ कि इसको बना के रखूँ और जो भी जिम्मेवारी मिले प्रशासन में जाने के बाद उसको अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकूँ। यस सर। आपने एकेडमिक्स बताया, अब हम बात कर लेते हैं प्री मेंस एंड इंटरव्यू। यस सर। जैसे कि आपने कैसे तैयारी की एंड नए बच्चे जो होंगे वो कैसे तैयारी करें, वो थोड़ा गाइड करिए। देखिए पूरा समंदर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, यदि आप इसको देखेंगे ना तो लगे किसी समुद्र से कम नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। उसमें आपको जो है मोती चुनना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस जितना ज़बरदस्त आपका रहेगा उतना ज़बरदस्त आपका तैयारी आगे बढ़ेगा, कंटिन्यू अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, पहले आप प्रीवियस ईयर को देखें। ओके। आप अपना बेसिक्स पढ़ाई करें पहले और प्रीवियस ईयर को एकदम समझिए रामबाण की तरह यूज करें उसको। वही आपको सही दिशा देगा और आपकी तैयारी को जो है सही डायरेक्शन देगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी उसी की बदौलत और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बताइए स्टडी मटेरियल फॉर द प्री, मतलब जैसे आपने बोला ना कि मोती चुननी है तो एक्सपर्टीज की राय बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। यू आर एक्सपर्ट नाउ, तो आप थोड़ा बताइए कैसे बेसिक स्टडीज करें एंड कौन कौन से मटेरियल को हम इस्तेमाल करें। यस सर। सर जैसे हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में वैसे रामशरण शर्मा सर है प्राचीन भारत के लिए। ओके। फिर मध्यकालीन भारत के लिए आपको सतीश चंद्रा है। फिर आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा सर है। अच्छा। इनका किताब जो है आप पढ़ें और इसमें मैं कहूँगा कि यदि किसी एक को यदि आपको पढ़ना है ठीक है तो विपिन चंद्रा को जो है आप कंटिन्यू उसको कंप्लीट करें। ठीक है। यदि आपके पास समय कम है तो आप विपिन चंद्रा को कंप्लीट करें, उसको पढ़ें। फिर आप ज्योग्राफी में यदि आते हैं तो लुसेंट ज्योग्राफी का अच्छा कवर किया गया है, उसको आप पढ़ें और मैप्स का आप यूज करें, मैप का ज़्यादा से ज़्यादा। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए लुसेंट में आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ें और साथ में इसका जो स्टैंडर्ड बुक है M. लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई एक बुक ले लीजिए जैसे नितिन सिंघानिया सर का बुक है। हाँ। तो इसको आप जो है इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं बेसिक्स को। और इस तरह से साइंस के लिए सर तो साइंस के लुसेंट साइंस है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन केवल उसके भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। NCERT का सार संग्रह है, उसको आप मिला करके पढ़िए, आप बहुत अच्छा करेंगे उसमें।
कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था आपने प्री में, लाइक डिफरेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं? यस सर। तो सर जैसे कुछ टेस्ट सीरीज चल रहा है एडुटेरिया का, ओके, तो मैं वैसे एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज या कोई भी कोचिंग का मैं वैसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, ठीक है, लेकिन मैं उसका सुन लेता था। अच्छा। यदि कोई एग्जाम हुआ है उसको कोई डिस्कस कर रहा है तो उसको मैं सुन लेता था। इससे क्या आता था कि टाइम भी बच जाता था, और तो इस तरह से सर सुनना चाहिए, ठीक है, उसको आप YouTube पर यूज कीजिए उसका सही जिसका बताया गया है। कोई ऐसे चैनल्स हैं जिसको अच्छे से बता रहे हैं, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए ओनली आईएएस का जो है मास्टर वीडियो है उसको कंप्लीट किया था, तो फायदा हुआ था सर निश्चित। अच्छा जी, तो वही बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म बताइए, जैसे आपने एक ओनली आईएएस का नाम लिया, और भी कुछ वैसे प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छे हैं? एक चैनल है अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ जिसको मैं रेगुलर विजिट करता था वैसे उसको, और इस तरह से जो है बहुत सारे हैं जो मास्टर वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, तो उसको आप जरूर विजिट कीजिए। ओके ठीक है, अब हम आते हैं मेंस पे। जी, आपने मेंस की तैयारी कैसे की, आपके तरफ से क्या राय होगा जो तैयारी करेंगे या तैयारी कर रहे हैं? देखिए जैसे पीटी का जो एक रहा है स्ट्रेटजी रहा है कि क्वेश्चन बैंक, मेंस में भी वो है, क्वेश्चन बैंक को आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक ही आपको राइट डायरेक्शन बताएगा। क्वेश्चन बैंक को आप देखिए, उसके अनुरूप आपका मटेरियल को तैयार कीजिए। राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है ना इसमें। ये दोनों जब आपका काम हो जाता है तब आप राइटिंग पर उतरिए और राइटिंग को धुआंधार तरीके से कंप्लीट कीजिए, ठीक है, बहुत उसमें काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, और निश्चित रूप से आपका मेंस अच्छा जाएगा, क्योंकि मेंस का अच्छा जाना जो है वो एक तो एग्जाम पास करने की भी गारंटी देता है और साथ में एक अच्छा रैंक की भी जो है के रूप में के लिए हमें आश्वस्त करता है। एक अट्रैक्टिव आंसर जो होता है वो कैसा दिखता है, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें एंड उसमें क्या क्या इनपुट्स होने चाहिए? जी देखिए, एक अच्छा आंसर जो है आपको इंट्रोडक्शन से ही दिखने लगता है। इंट्रोडक्शन एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ ये वही बात कर रहा है जो पूछा गया था। अच्छा, वहाँ पर ही दो तीन लाइन में झलक जाना चाहिए। उसके बाद यदि कहीं पर जो है कोई बात को आप चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं, तो उसको जरूर दिखाइए। वहाँ पर क्या है कि आप मेंस में बोला जाता है कि गागर में सागर भरना, ठीक है, आप कितना कम से कम शब्द में कितना ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देते हैं वो आपका मेंस को अट्रैक्टिव बनाता है। जी, वर्ड सेलेक्शन कैसे होने चाहिए, सिंपलर वर्ड या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाले शब्द यूज़ करें? देखिए दो भाषा होता है, एक जैसे एकेडमिक और एक होता है पेपर वाली भाषा, न्यूज़पेपर वाली भाषा। हाँ हाँ, तो न्यूज़पेपर वाली भाषा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा, थोड़ा सा एकेडमिक जाएं। अच्छा, एकेडमिक जाइए और मतलब जैसा कॉलेज वगैरह में आंसर करते थे वैसा। यस यस, थोड़ा सा आपका होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भी नहीं कि आपको पढ़ने में ही उसको दिक्कत हो जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं, मतलब कॉमन बातचीत की भाषा है नहीं, थोड़ा सा आप भाषा की मर्यादा को बना कर रखें। जी, लगा कि एक ऑफिसर आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, उस तरह का स्टैंडर्डाइज करें। ओके, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं मेंस में। जी, तो कैसे तैयारी करें उन सब्जेक्ट्स को लेकर के, थोड़ा गाइड करेंगे या क्या क्या आपने स्टडी मटेरियल फॉलो करा? जी, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया आपने, वो सारे बताइए। जी सर, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी माध्यम के छात्र के लिए जो है बहुत दिक्कत होता था पहले, आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलते थे मेंस का, हमने फेस किया इस चीज़ को, लेकिन अब उस चीज़ को बहुत हद तक दूर कर लिया गया है। जैसे दृष्टि आईएएस है या फिर ओनली आईएएस है, इन लोगों ने बहुत काम किया है इस पर, परम आईएएस भी है, ठीक है, तो मैं इनका मटेरियल को जो है रेगुलर यूज करता था, ठीक है। इनका जो भाषा का जो स्तर है वो मेंस लेवल का है, और मतलब उसको आप लिख देते हैं ना तो आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव होगा। ओके जी, अच्छा, आपने हिस्ट्री आपका था तो आप हिस्ट्री के जो आंसर्स थे वो आपने कैसे लिखे थे? एंड हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें ये होती है कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उसको याद करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो आपका एकेडमिक्स भी रहा है हिस्ट्री से। जी, तो आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए कि हिस्ट्री को लेकर के जो डर है उसको कैसे कम करा जाए। देखिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको कहे कि पहले से पता चलता है कि हाँ इस सेक्शन से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे उसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। जो आईआर वाले सेक्शन है वो में उसमें ये स्ट्रेटजी नहीं चल सकती है, बट हिस्ट्री में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसको तो आप कई बार लिख लें, तो आप जो है आंसर में इस तरह से लिख लें कि कम से कम समय में आप उतना वर्ड को लिख देंगे वहाँ पर, इस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर का क्या रोल रहा आपके मेन आंसर्स में? न्यूज़पेपर का काफ़ी रोल रहा सर, और न्यूज़पेपर जो है हमें
आईआर, खास करके आईआर के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। यस। एंड न्यूज़पेपर आप कैसे सेलेक्ट करते हैं टॉपिक, बिकॉज न्यूज़पेपर में मल्टीपल टॉपिक्स हैं जी, कुछ यूज़फुल हैं कुछ यूज़फुल नहीं हैं जी, तो आप कैसे सेलेक्ट करते थे उन सब चीज़ों को? देखिए उसके लिए है कि एक साल का मैं पकड़ता था, यदि न्यूज़पेपर यदि हम देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर क्या होता है ना कि घटना का जो है थोड़ा डिटेल एनालिसिस होता है, हो सकता है कि उतना ज़्यादा आपको जरूरी नहीं पड़े। Exactly. ठीक है, तो उसमें से ये छांटना कि कितना हमें जरूरी है, कितना हमें जरूरी है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, वो न्यूज़ जो है एक पुराना न्यूज का ही एक नया वेरिएंट होता है, समझ रहे हो? तो मतलब उसको समझना है कि हाँ इसका ओरिजिन कहाँ है इस न्यूज का, मतलब उसका आप पृष्ठभूमि भी समझिए। अच्छा, यस ठीक है। और उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, जैसे दृष्टि आईएएस का आप देखते होंगे, कोई टॉपिक है तो वो बता भी देते हैं कि ये जो है आपका पेपर वन का जो है आईआर सेक्शन में इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिक सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, इस तरह से वो बताते भी हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होता है जी। कैसा रहा था आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा, मॉर्निंग का टाइम था, 3 मेंबर्स थे। अच्छा। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता था तो मतलब मैं यही सोचता था क्या होगा, पहले भी फेलियर हो रहे थे, अब भी होंगे फेलियर, तो इसके लिए जो है मैं डर नहीं रहा था। अच्छा। जी बिल्कुल डर नहीं था क्योंकि मैं फेलियर झेल चुका था। अच्छा। तो मैं सोचा कि क्या होगा, अब जो होना होगा वो तो होगा ही, मेरे हाथ में है नहीं जी, और भी जो एग्जाम है आगे SSC का, बिहार SSC 10+2 आने वाला था, रियली मैं बता रहा हूँ, मैं यही सोचा कि मैं उसको ही दूंगा। अच्छा। कहीं ना कहीं तो सक्सेस करना ही था। हुँ। जी तो यही था सर। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? उसमें मेरे हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए थे, हॉबी से पूछा गया, फिर कुछ करेंट इंसिडेंट भी पूछे गए थे, जैसे सारण में कुछ घटना घटी थी उसको लेकर के, फिर आर्टिकल्स पूछे गए थे। अच्छा। जी पॉलिटिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन थे मेरे से पूछे गए थे। ओके। जी फिर हिस्ट्री से थे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो करीब 16-17 मिनट इंटरव्यू चला था। हाँ। बहुत ज़्यादा चला। अच्छा चल, क्या राय होगी आपके एंड से इंटरव्यू के लिए, फॉर द न्यू वन? जी इंटरव्यू के लिए देखिए सर, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट होकर अपनी बातों को रखते हैं। देखिए हर प्रश्न का तो जवाब नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, ये तो निश्चित रूप से कहा जाए, तो हमें डरना नहीं है वहाँ कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप सॉरी बोलिए वहाँ पर, उसका जो है आप सोचिए नहीं कि जो है हम नहीं बोले इसका क्या, कितना नंबर कट जाएगा, कितना नंबर आएगा, वो आपके हाथ में है ही नहीं। यदि आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया है जहाँ आप नहीं जवाब दे पाए, तो वहाँ सॉरी बोलिए और आगे प्रश्न का इंतजार कीजिए। जी आप जैसे सर ने हमें बताया था कि आप पटना में ही रह करके तैयारी करते थे जी, पुनाईचक में ही रह पुनाईचक में, आप तो वो रूम भी बहुत ज़्यादा लकी हो गया होगा। हाँ, रूम ऑनर से मिले तो वो भी बोले कि ठीक है मेरे रूम से जो है एक आज ऑफिसर बन के जा रहे हैं, तो प्राउड मोमेंट तो सर सबके लिए था, पूरे बिल्डिंग में सब लोग अच्छे बच्चे लोग जो है खुश थे जी। चलिए बहुत बढ़िया सर, आशा करते हैं अपने एफर्ट्स बिहार को अच्छा करने में लगाएंगे। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।